9:30 बजे तो ये टाइम तो स्कूल का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? तो गाय देखो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ, जाके समझ में आएगा क्या हुआ। परसों के दिन मतलब यूँ, मतलब अरे मतलब यूँ रखा हुआ है ना, तब ये यूँ रखने ही के लिए मैं यूँ अकेला रख दूंगा, मैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे बेड वेड ये मैं कर लेता हूँ ये सब। तो माथे में ना आधा किलो मच्छर भर के लाया था। तो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग, एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप मजे कर रहे होंगे। तो गाइस देखिए अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं, और मैं देखो अभी स्कूल की ड्रेस में यहाँ पर हूँ, आप लोग सो रहे हो, 9:30 बज रहे तो ये टाइम तो स्कूल का होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर रहा है ये? तो गाइस देखो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ, जो आगे समझ में आएगा क्या हुआ। परसों के दिन मतलब आज की 17, तो मतलब आज से परसों 15 तारीख को मैं रात में क्या ना वीडियो अपलोड करके सोया 2 बजे। भाई 2 बजे सोया, अब 2 बजे सो तो गया, 2 बजे सोने के बाद मैं सुबह 6 बजे भी उठ गया, 6 बजे उठने के बाद मैं स्कूल निकल गया। अब भाई आवे भयंकर नींद, तो अब नींद आए तो अब मैं कल है ना पूरे दिन भर नहीं सोया, नींद तो आई थी लेकिन सोया नहीं, मेरे को पता क्योंकि रात में फिर वापस वो कबाड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं सोया ही नहीं। और बताऊँ फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यूँ हुआ कि रात में मैं सो गया 11 बजे, 11 बजे सोया, सुबह उठा अलार्म बजा था 6 बजे, 6 बजे अलार्म बंद करते ही वापस हो गया, भाई वापस हो गया, नींद आई थी भयंकर, तो फिर वापस सोया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7:30 बजे नींद खुली, 7:30 बजे नींद खुलने के बाद क्या हुआ कि मतलब मैं रेडी हुआ, नहा कर नहीं गया था, अभी मैं नहाया हुआ नहीं हुआ, अभी कपड़े चेंज करूंगा मैं, आते ब्लॉग बनाने लग गया देखो भाई। और क्या हुआ कपड़े चेंज करके 8:04 पे निकला मैं घर से, वीडियो अपलोड करी अभी सुबह सुबह, मैं रात में करके नहीं सोया क्योंकि नेट वगैरह सब खत्म हो गया था, तो इसलिए तो अभी सुबह सुबह वीडियो अपलोड करी, तो भाई मतलब लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, तो 8:04 पे मैं निकला घर से, मयंक को लेके, धवल को तो छोड़ दिया मैंने स्कूल, और धवल को मयंक को लेके फिर हम स्कूल गए। अब स्कूल में जाते ही गेट बंद हो चुका था भाई, जाने नहीं दे रहे, मतलब 8:04 पे गए तो 8:10 तक पहुंच गए, और 8:10 पे पहुंचते ही कम से कम 9 बजे तक वहां तक खड़े रहे, मतलब कम से कम 50 मिनट, तो 50 मिनट तक वहां पे खड़े रहे। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब है ना हम लोग घर पे आ गए मयंक और मैं, मैंने कि कौन यहाँ पे टाइम वेस्ट करेगा, दिमाग खराब कर रहे हैं, घर पे चल के ब्लॉग व्लॉग बनाएंगे बढ़िया, तो घर पे आ गए हम दोनों। और रास्ते में आते थे कचौड़ी समोसे भी खा के आए, भाई भूख भी तो लगती है ना, तो भूख लग रही थी तो खाना खा के मतलब वो कचौड़ी समोसे खाकर आ गए, तो अभी घर पर आ गया मैं तो, और देखो ब्लॉग बना रहा हूँ मस्त एक नंबर। और डैडी नहाने गए और मम्मा उधर काम कर रही है घर का, और मैं अभी पहले ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, तो चलो गाइस ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, पहले नहाएंगे भी सही, तो नहा धोकर ही मिलता हूँ मैं डायरेक्ट, तो ठीक है चलो गाइस पहले नहा धो लेते हैं मस्त, फिर मैं मिलता हूँ आप सभी से। तो चलो गाइस देखिए मैं नहा धोकर आ गया हूँ, और धवल भी आ गया, देखो ये अपना लंच कर रहा है, और आज इसने कर ही लिया लंच कर लिया इसने, और आज ये स्कूल में खा के नहीं आया, डांस प्रैक्टिस चल रही थी क्योंकि, और टाइम देखो भाई 2 बज गई आज तो, और मम्मा यहाँ पे सो रही है। और तेरे को अभी एक बात बताऊंगा, पहले टिप्पण रख के मैं तेरे को छोड़ के निकला था ना स्कूल से, उसके बाद बताऊँ क्या हुआ, मैं स्कूल गया, स्कूल जाते गेट बंद कर दिया, तो क्या मैं अंदर ही नहीं जा पाया, घर पे आ गया वापस 9 बजे तक मैं रुका रहा, आ गया हम तो दोनों ही देख, तो आज मैं स्कूल ले गया, तुझे लग रहा होगा ना स्कूल गया था, मैं स्कूल ले गया, लेकिन मैं हंसना हंस तो सही जोर से हंस हंस गया चलो। तो देखो भाई आज तो कुछ ऐसा हुआ, और आज हमें ना क्या थोड़ा घर को है ना शिफ्ट करने वाले आज वापस, मम्मी कह तो रही थी कि लव करेंगे, मम्मी को उठाते हैं, मम्मी बोलो ना घर को शिफ्ट कर रहे, मतलब तो अभी करेंगे, मम्मा थोड़ी देर आराम करे, मम्मी थक जाती है ना यार कोई, इसलिए तो अभी करेंगे, मतलब अब देना हमारे बताऊँ क्या है, ऐसा सीन हुआ कि मम्मी कह रही है कि अला बेड वापस पीछे करेंगे, और वो वाला बाहर लाएंगे शायद इधर, नहीं यार पीछे वैसे नहीं करे वापस, पता नहीं मेरे को मम्मी तो कह तो रही थी, अरे नहीं काम करते मालूम वहीं रख देना अला यहां बाहर ही आ दे बस, पता नहीं भाई मम्मी मम्मी जो बोलेगी वही होगा, घर में तो नहीं वो तो तेरे तेरे कहने से क्या होता है, मम्मी कहते सब वो तो क्या भाई पहले यहाँ से मान लेंगे बेड में से यहाँ लिया अभी भाई, वो 2-3 बार इधर से उधर होगा बेड भाई, अब वो वाला इधर लाएंगे क्या, वो तो पहले ही वो खूकार सा बेड है वाला, तो तू क्या सो रहा है तेरे कहने तो ना आया कुछ तू खुश मत होएगा इतनी जल्दी, समझा ना कुछ भी नहीं होएगा, मम्मी के होने से कहेगा आपके घर का होम मिनिस्टर कौन है, मम्मी है ना, हमारे घर की भी तो होम मिनिस्टर मम्मी है, अच्छा वो भी सही बात, खा लिए ना अभी तो, हाँ तो मैं घुमा देता हूँ ना अभी बेटा बेटा, ठीक है चलो। सो गाइस देखो मम्मा कह रही है ना इसको ना यूँ घुमा दे, मतलब जैसे यूँ ये यूँ लेटा हुआ है ना, मतलब यूँ मतलब अरे मतलब यूँ रखा हुआ है ना, तब ये यूँ रखने ही कह रही है मैं यूँ यूँ, तो एक बार रख के देखते हैं इसको, अकेला रख दूंगा मैं तो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए बेड वेड ये मैं कर लेता हूँ ये सब, तो इतना बड़ा कायले कराया मम्मी का पौष्टिक
मम्मी के हाथ का पौष्टिक खाना खा खा के खा के ऐसा हो गया तो भाई खुद ही कर लेंगे। चलो करते हैं अब इसको बेड को इधर, पहले डायरेक्ट करके बताता हूँ, शॉर्ट कर लूंगा भाई मैं इसका यार, मोबाइल संभालूंगा इसको संभालूंगा, इसे डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ इसको इधर, यूं करेंगे इसको। तो चलो गाइस भाई देखो मैंने इधर पूरा बेड घुमा दिया मेरी पूरी शक्ति से, और मम्मी के खान पान के अब मम्मी आई है थोड़ा अपना हाथ बटाने, साथ ही हाथ एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना नहीं खिसकाना सही है यार, कोई क्या चाहिए भाई। देखो ना देखो गाइस आप सब देखो, वैसे भी कमी आते हैं इस कमरे में, और नहीं तो क्या, वैसे भी इसमें कमी आता है, बस थोड़ा सा फैलावड़ा होगा, बस मैंने सारे सामान इसके ऊपर रख दिए थे मम्मी, कोई बात नहीं है तो फिर जगह खाली होगी, बेटा ये अलमारी नहीं खुल पा रही थी। हाँ गाइस बताऊं क्या हुआ था, ये अलमारी ना यूं खुल नहीं पा रही थी, इसके हट रहा था बार बार, ये ना बस इतना सा ये इतना सा खुल रहा था बस ये है बोते, तो भाई रुक जाओ ना इधर करके इसको पूरा खोल देते हैं ना, खोल देगा इस गेट को पूरा, क्यों खोलने की जरूरत, बस इतना काफी है। अरे उधर गेट नहीं अड़ेगा ना भाई, क्या कर रहे हो मैं यार, वो ये थोड़ा खिसक के पूरा खोल देते हैं ना इसको गेट को ही खोलें, रुको पूरा खिसक गया वो गेट भी खुल गया। आप तो आ जा सकते हो ना, आप तो आ जा सकते हो ना यूं, हाँ बस आप आ गए ना फिर तो नहीं दिखा। अरे इनडायरेक्ट में कुछ भी नहीं बोल रहा भाई, आप तो बस, और भाई काफी भाई दो जने एक साथ जा सकते हैं इस गली में से, तो गाड़ी वाड़ी सब कुछ जावे इसमें से तो आराम से, हाँ यार सही तो है, क्या चाहिए भाई, हाँ यार ये सही लग रहा है सेटअप, इधर उधर किसका नहीं दिक्कत नहीं, ठीक है मस्त है एकदम भाई परफेक्ट, बस डन खत्म, अब नहीं करना आपको बेटे, इधर वाला भी नहीं करना और ये वाला भी नहीं करना है, हाँ इधर से तो खुलेगा तो आओ, सो जब पर्दा भी लगा लो, और रोशनी तो वैसे भी नहीं आएगी ना क्योंकि देखो ना भाई उधर दीवार है ना पैरों पे, सिर तो उधर करना है ऐसे भी, तो चलो भाई हो गया, आओ आओ ये भी सही है भाई, चलो भाई फाइनली कर दिया हमने पूरा सेटअप। तो चलो गाइस भाई देखो सब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, धवल खड़ा हुआ है, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ, धवल खड़ा हुआ है मैं बैठा हुआ हूँ, और मम्मी यहाँ पे उल्टी लेटी है लुढ़क के सो रही है इसमें लगी पड़ी हुई है पड़ी, लो मैं गोली खा लो, ये मम्मी की नर्स है ये नर्स मम्मी नर्स है ये नर्स मम्मी का नर्स हूँ, मम्मी की नर्स है तू, मम्मी का नर्स, मम्मी की नर्स है तू, मम्मी का नर्स, मम्मी की नर्स है तू, मम्मी का नर्स नहीं मम्मी की नर्स है तू भाई, मम्मी ने गोली खा ली, मम्मी के क्या है ना क्या हो रहा था, हाँ वो खांसी में प्रॉब्लम है ना इसलिए खांसी खांसी खुद प्रॉब्लम है मम्मा भैया अब चाय बना ले कल जैसी टेस्टी टेस्टी। और गाइस बताओ कल क्या इंसिडेंस हुआ हमारे साथ, हमको इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, वो मैं बता देता हूँ अभी, मैं तो मैं बता बताऊँ क्या हुआ, कल डेडी अम्मी वहां से आए, हम लोग तो माइंड पे क्या गए हुए थे, फिर डेडी अम्मी आए फिर हम घर पे आए, कल व्लॉग का भी एंड जल्दी कर दिया था, तो फिर है ना बताऊँ क्या हुआ, हम लोग घर पे आए, हमारा प्लान बना मटर की सब्जी बनाने का ग्रेवी वाले, तो मम्मी ने की एक काम करो तुम तो है ना पनीर ले आओ, पनीर भी डाल देंगे मटर पनीर बन जाएगा, तो भाई देखो मटर की सब्जी बनते बनते मटर पनीर बन गया भाई, रात में पता भी नहीं था, हमने सोचा भी था कि भाई बनाया ठीक है चलो जो बन जाएगा खा लेंगे, लेकिन मटर पनीर बन गया भाई, आज सुबह बताऊँ एक बात और हुई थी, अभी बताता हूँ, आज सुबह माथे में ना आधा किलो मच्छर भर के लाया था, बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं बाहर, वो सरसों कट रही है ना तो इसलिए हो रहे हैं, बहुत सारे मच्छर छोटे छोटे से घूमते रहते हैं ना वो, एक साथ ही चिपकते मुंह पे, तो अब तो बाहर भी नहीं गया मैं, अभी रात में रहते हैं क्या वो, रात में नहीं रहते ना दिन में रहते हैं बस, जब ही रात में भी तो रहते हैं, रात में खा रहते हैं दूसरे मतलब की हाँ वही तो आधा किलो मच्छर लाया था तू, हाँ बालों में भर के मम्मी से पूछ, यू यू कर रहा था ना, यू बिखर रहा था, तो सी बढ़ गया होगा तेरा, जब ही तो कह रहा हूँ भाई मैं धोखा पड़ा सोना, टू टूटा वाह यार, थ्री के तो बोला ही नहीं हमने बोलने की, हाँ मैंने सही सुनाया, बस आप पास हो गए, अब आपको नेक्स्ट क्लास में भेज देंगे, अब हम सेकंड क्लास में जाओगे, हाँ प्रिंसिपल को फोन लगाओ, रे रिपोर्ट कार्ड बनवाओ, जाओगे ना इनके पेरेंट्स को बुलाओ पीटीएम बना लिए,
तुझे याद हुआ नहीं होया? 2 6 12 हां 2 6 12 ही तो होता है जो देख कैसा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दो का पढ़ाई भूल रहे हो क्या? उसमें कैसे अटक रहे हो? ये नहीं अटक रही मैं, ये कंफ्यूज कर रहा था मेरे को भाई, क्या हो रहा है ये घर में? दो का पढ़ा भूल गए, और 2 11 जा 22 19 का सुना रहा था, 19 1 19 19 2 30 93 36 95 96 97 98 99 100 114 99 100 82 81 81 90 10 100 90 90 81 81 90 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
अरे आप तो 19 का बोलो ना हिंदी में, चलो ना आ तो नहीं तो बोलो, अरे आ तो 19 का सुनाओ, चलो आ तो 19 का सुनाओ, आ तो 19 का सुनाओ ना, 19 का सुनाओ आप तो। अरे 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 मम्मी पागल हो गई क्या कर रहे हैं, कुछ मच्छी पच्ची पुच्ची पुच्ची पता नहीं क्या बोल रही है, ये देखो पुच्ची कहाँ जाए बीच में, पुच्ची पांच पुच्ची पार, पांच पुच्ची पांच मम्मी का मजाक बनाने में लग रहा है तू, पिटेगा ना देख मारा ना मैंने, चलो मैं तुम्हें पहाड़ा सिखाती हूँ पांच का, कान में चाबी, आप तो 19 का सुनाओ हिंदी में ना भूल जाती हूँ, अटक जाती हूँ बीच में, ये छोटा सा बच्चे की तरह रहती है, आ रही है मम्मी यार, तो मम्मी बच्ची तो है तो क्या कहना चाह रहा है, मैं बूढ़ी हो गई अभी से, देखो माँ को बूढ़ा बना रहा हूँ, नहीं हूँ मैं तो बूढ़ी, मैं हूँ भी नहीं, अभी तो आप 5 साल गई हो, बोला तो चलो गाइस देखिए टाइम देखते देखते बज चुकी है 5 बज गई, तो चलो अभी हम दोनों क्या बाहर जा रहे हैं, इसको क्या पानी पता सभी खिला के लाना है, ये भयंकरी क्या बोलते हैं उसको पूरी नहीं और भयंकरी उत्साहित हो रहा है ये पानी पता से खाने के लिए, हाँ मेन काम तो क्या मेरे को क्या नहर में ना वो जो मतलब पूजा वगैरह कचरा वगैरह रहता है ना वो डालने जाना है, और भाई हम जाएंगे हमारी शाइन से, तो चलो चलते हैं अब, और पूरा रास्ता वगैरह भी दिखा देंगे, चलो भाई निकलते हैं, क्या नहीं देखो देखो कैमरा पकड़ने वाले सारे उसको, मैं तेरी पकड़ूंगा कैमरा पकड़ लेना, कैमरा पकड़ लेना मैं पकड़ लूंगा, तो चलो भाई निकलते हैं फटाफट, देखिए आगे हम लोग भाई हमारे फेवरेट सुरेश भैया के यहाँ पे 5 फ्लेवर वाले पानी पता से खाने, धवल को खाने मैं तो नहीं खाऊं, मैं घर पे चाय बनवा ली, मम्मी ने की चाय बननी, फटाफट आया ना रुकना मत कहीं भी, तो इसलिए हम चाय पियेंगे घर पे जाके, हम तो धवल को खिलाएंगे बस, मैं नहीं खाऊंगा, एक पपड़ी खा लूंगा सुरेश भैया, खिला देंगे पपड़े भैया, खिला दोगे ना बाद में, खिला देंगे सुरेश भैया बाद में, अभी तो इनका स्टॉल लगाइए भाई, देखो कितनी धूप हो रही है, धूप में देखो पानी पता से खाने, धूप में क्या भाई घर में थोड़ी, तो चलो भाई देखे धवल ने पानी पता से खा लियो, सुरेश भैया ने हमको पपड़ी दे रहे हैं, हम चलो बहुत अच्छे हैं भाई सुरेश भैया हमारे यार, देखो इतनी धूप में देखो स्ट्रगल करते हैं भाई भैया भयंकर ही, अगर आप लोग शिवाजी पार्क आओ कभी तो पानी पता से जरूर खाना भाई, तो चलो भाई देखिए मैं तो आ गया घर पर, और मम्मी देखो तो सोफे वगैरह चेंज कर दिए भाई, ये देखो मम्मी ने सोफे वगैरह चेंज कर दिए मस्त यार, 2 मिनट में घर चेंज, चलो चाय पी लेते हैं मस्त बैठ कर, चाय पी रहा मतलब है बैठ कर, तो आइए पिए, पिएंगे पियोगे नहीं पियोगे मत पियो ना, कोई बात नहीं जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं किसी से, कोई बात नहीं नहीं पीन तो मैं पी लेता हूँ, सो गाइस चलिए देखिए हमने चाय वगैरह पी ली और मम्मा उधर अपना डिनर की तैयारी करने लग गई, तो देखिए अब एक मुद्दे की बात करता हूँ मैं, देख क्या है ना अब मैं कम से कम आने वाली मेरे मतलब अभी 47 वीडियोज होगी 47 हाँ 47 48 वीडियोज होगी, तो मतलब अब क्या है ना मैं आने वाली जो वीडियोज आएगी कम से कम 200 से 300 वीडियोज मैं ना मैं मेरा ब्लॉग ना जल्दी एंड कर दिया करूंगा, अब उसके पीछे का रीजन क्या है तो मैं बताता हूँ, बात नहीं है कि मतलब क्या है ना मेरा टाइमिंग इशू बिगड़ रहा है भयंकर वाला, मेरे को स्कूल भी जाना रहता है, तो अब बात नहीं है कि मैं ना टाइम से सो नहीं पाता, अब सो नहीं पाता तो सुबह क्या एनर्जी नहीं रहती, फिर स्कूल में पढ़ने में फिर आलस आते हैं ना भाई, आलस तो वैसे भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी
स्कूल में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं ज्यादा, तो वहाँ पे क्या आलस आने लग जाते हैं, इसलिए अब कहना मैं जल्दी ब्लॉग एंड करके, अब क्या मेरे को एडिटिंग करने में कम से कम कभी आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाता है भाई, क्योंकि क्या है कभी वीडियो ज्यादा भी बड़ा हो सकता है ना, उसको छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह देखनी पड़ती है भाई कैसे क्या है, तो एडिटिंग करने में कम से कम 2 घंटे भी लग जाते हैं, तो फिर उसको अपलोड करो उसमें 1 घंटा, मतलब 1 घंटा क्या मतलब 20 मिनट और जाते हैं, तो ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम हो जाता है, तो इसलिए अब से मैं ब्लॉग ना जल्दी एंड कर दिया करूंगा। मम्मी भी नाराज होती है इस बात से, मम्मी भी नाराज होती है कि सो जाएगा टाइम से, तो कब तक ऐसे जगा रहेगा, ऐसे काम नहीं होता भाई, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए क्या है ना कभी 2 बजे भी सो जाता हूँ मैं, सुबह 6 बजे उठ के स्कूल भी चल जाता हूँ, देखो भाई ऐसा रहता है मेरा सीन, स्कूल जाना है तो जाना ही है भाई रोज, बस सर भी तारीफ करते हैं, देखो प्रद्युमन रोज आता है भाई स्कूल, बच्चे का छुट्टी कर लेते ना 2-4, मतलब रेगुलर ही छुट्टी करते रहते हैं ऐसे आए दिन ही, हमें छुट्टी नहीं करता तो ऐसी बात है, तो ठीक है ना आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल अब ब्लॉग है ना कि एंड यहाँ जल्दी एंड हो जाया करेगा आपसे, तो ठीक है अभी भी मैं एंड कर देता हूँ, तो ऐसे आने वाली वीडियोज में भी एंड होएगा ब्लॉग जल्दी जल्दी, तो ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आई होप, ओ सॉरी एक लाइन तो बोली नहीं, देखो आई होप कि गाइस आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। आज तो लाइन ही भूल गया था, चलो ठीक है बाय गुड नाइट, मामा से बाय कर दो, हाथ लगे बाय, हाथ तो हिलाओ, बाय चलो बाय गुड नाइट।